हेलो एवरीवन, तो जो SOL के 6th सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं मई जून में होने जा रहे ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो गाइज़ आप लोगों को पता होगा, आज ही मैंने वीडियो बनाई थी कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो अभी के लिए जो है यही सबसे बड़ी अपडेट है, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो 6th सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं SOL की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कंटिन्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने स्टूडेंट डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वहाँ से लॉगिन करेंगे। लेकिन हो सकता है कि जब आप लोग क्लिक करें वेबसाइट के आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो शो हो। और ठीक है, 504 गेटवे टाइम आउट, अगर ऐसा कोई एरर आता है तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, कई सारे जैसे ही बच्चे जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करते हैं इसी के कारण जो है वो प्रेशर पड़ता है और जो आपकी वेबसाइट है वो हैंग कर जाती है। तो आप लोगों को थोड़ा सब्र रखना है। और वैसे भी अभी कैसे फॉर्म भरना है इस पर बात करते हैं। देखिए, जैसे ही आप लोग अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे अपने रोल नंबर और बार कोड के थ्रू, आपके सामने कुछ डायरेक्ट इस तरह की विंडो शो होगी। पेपर सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 6 CBCS, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, अंडरटेकिंग नीचे दे रखा होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। पेपर 1 पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं आप, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को जो है अपने सबसे पहले तो चारों सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। चारों सब्जेक्ट यहाँ पे लगभग सिलेक्ट हो गए हैं और नीचे आप अंडरटेकिंग में देखिए क्या दे रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। द इन्फॉर्मेशन गिवन बाई मी एज अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स और कंसील्ड बाई मी एट एनी स्टेज, आई मे बी डिसक्वालीफाई फॉर द एग्जामिनेशन एंड द एग्जामिनेशन टेकन बाई मी मे बी कैंसल्ड विदाउट एनी नोटिस टू मी। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा है कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे अपनी सब्जेक्ट ट्यूशन में, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से आप लोग सही दे रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा पाया जाता है कि मतलब आपने कुछ भी चीटिंग वगैरह की है, मतलब कुछ भी, तो आपको जो एग्ज़ाम में है एग्ज़ाम से है जो डिसक्वालीफाई करा जा सकता है। और इस फैसले को आप यूनिवर्सिटी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के लास्ट लाइन में इन्होंने कहा, हाउएवर इन दिस रिगार्ड आई अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बिना कोई नोटिस दिए आपको एग्ज़ाम से जो है वो डिसक्वालीफाई किया जा सकता है और आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो रूल्स हैं उनका पालन करना होगा। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग होगा, इसके नीचे एक ब्लू कलर का आपको निशान देख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने लिखा आ जाएगा सक्सेसफुली अपडेटेड, प्रिंट और क्लोज का एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले प्रिंट कर लीजिएगा और आपको देखने को मिल जाएगा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, सब्जेक्ट्स पेपर सिलेक्टेड फॉर सेमेस्टर 6th एग्जामिनेशन 2020, स्टूडेंट नेम, SOL रोल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कोर्स, सेमेस्टर, पेपर कोड, पेपर टाइप, सब्जेक्ट कोड। यहाँ पे आपकी जो है एक तरह से रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगी, तो इसको आप लोग मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, आपके ऊपर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है नीचे आपको आपकी सब्जेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ऐसे ही आप लोगों को जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है इसको फिल करना है, अपने जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।